नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो कक्षा 12 के भूगोल विषय में जो इस महामारी के कारण पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, उस पाठ्यक्रम के बदलाव को देखेंगे। कितना पाठ्यक्रम है उसको कम किया गया है, कौन कौन सी इकाइयाँ है वो पाठ्यक्रम से हटाई गई है। तो विद्यार्थियों, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जो पाठ्यक्रम में पहला जो इकाई का भाग है वो है मानव भूगोल का परिचय। कौन सा है? मानव भूगोल का परिचय। ये मानव भूगोल जो परिचय है, ये इकाई आपकी एजिट है, इसको हटाया नहीं गया है। कौन सी को? मानव भूगोल के परिचय को नहीं हटाया गया है। और इसे मानव भूगोल के परिचय वाली इकाई में देखें तो आपके एक तो मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व है। साथ ही दूसरी देखें तो आपके विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील, ये जनजातियां हैं और उनका आर्थिक वितरण है। इसके साथ ही आपके जो आर्थिक और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी विशेषता इन जनजातियों की है, वो कोर्स में एजिट रखी गई है। इसके बाद दूसरी यूनिट जो है विश्व की जनसंख्या, इस विश्व जनसंख्या की यूनिट है, उसमें से पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि कारण समस्या एवं समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तीसरा है जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। ये तीन टॉपिक है वो आपके कोर्स में एजिट रखे गए हैं, इनको नहीं हटाया गया है। और लास्ट के दो टॉपिक है, एक है प्रवास, संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्याएं, दूसरा है मानव विकास की संकल्पना। इन दोनों बिंदुओं को आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो हटाने वाले में सबसे पहले यूनिट नंबर दो का फोर्थ और फिफ्थ भाग, जिसको कोर्स से हटा दिया गया है। मैं नाम बोल रहा हूँ तो आप अपनी बुक है उसमें क्रॉस निशान लगा लीजिए या उसको कट कर दीजिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपके यूनिट जो दो है, यूनिट दो का आपका लास्ट का बिंदु है द और यह, यानी प्रवास, संकल्पना, प्रकार, समस्या, मानव विकास की संकल्पना। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर तीन आती है। यूनिट नंबर जो तीन है उसमें आपका एक लेसन तो है अधिवास, एक लेसन ही है पूरा टोटल, उसमें एक तो क्या है अधिवास है। अधिवास में ग्रामीण नगरीय अधिवास, इसके प्रकार, इसके प्रतिरूप एवं समस्याएं, और दूसरा है नगरीय कच्ची बस्ती, नगरीय कच्ची बस्ती उनकी समस्या और उनका समाधान। ये दो बिंदु तो एजिट रखे गए हैं। जो तीसरा बिंदु है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का अध्ययन, ये तीसरा बिंदु आपके सिलेबस से फिलहाल हटाया गया है, सिलेबस से हटाया गया है। इसके बाद तीसरी यूनिट में एक हट गया और दूसरी यूनिट में दो टॉपिक हट गए। फिर चौथी यूनिट की बात आती है मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय इस यूनिट में जो यूनिट है वो कंप्लीट प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, फिर तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं, ये यूनिट एजिट रखी गई है। इसमें कोई भी टॉपिक हटाया नहीं गया है।
इसके बाद हम बात करें जो पांचवी यूनिट है विश्व में परिवहन संचार और व्यापार, ये पूरी की पूरी यूनिट हटा दी गई, पूरी की पूरी यूनिट ही हटा दी गई है। कौन सी? परिवहन संचार और व्यापार। विद्यार्थियों आपसे बात करें तो इस यूनिट के दौरान आपके दो लेसन आते हैं, एक तो लेसन नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, एक तो कौन सा आता है इस यूनिट में, एक तो आता है ये हटा दी, एक तो आता है आपके चैप्टर नंबर 10, एक आता है चैप्टर नंबर 11। ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 में आपके जो पर्यावरणीय पाठ है, कौन सा? पर्यावरण। पर्यावरणीय पाठ का जो पहला भाग है ये एजिट रखा गया है, पर्यावरणीय समस्याएं, जिसमें प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन प्रसरण, ये टोटल समस्याएं हैं वो आपके कोर्स में रखी गई है। अब इस यूनिट से क्या हटाया गया है? इस यूनिट से हटाया गया है आपका वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, आपके जितने भी सम्मेलन थे सारे सम्मेलन हटा दिए गए हैं, हालांकि हमने ये यूनिट भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो आपके मैप जो आना है वो आएगा, इसके अतिरिक्त हालांकि जो हटा है तो वेटेज बढ़ जाएगा मैप का, ये सब का वो भी आ जाएगा आपके पाठ्यक्रम में, कितना क्या अभी वेटेज रखा गया है, वो ब्लूप्रिंट अभी नहीं आया। इसके बाद हम बात करें, ये तो पहली बुक की बात हो गई, दूसरी बुक की बात करें कि दूसरी बुक में क्या क्या हटाया गया है। तो दूसरी बुक में पहला जो यूनिट का भाग है वो है भारत की जनसंख्या। कौन सी है? भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या में वितरण घनत्व वृद्धि और इसके पहलू है, ये एजिट रखे गए हैं, इसको हटाया नहीं गया है। दूसरा है जनसंख्या संरचना, इसको भी नहीं हटाया गया है। जनसंख्या संरचना, इसको भी नहीं हटाया गया है, जिसमें आयु, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन, इसको नहीं हटाया गया है। अब तीसरी यूनिट जो है, तीसरी इस यूनिट में तीसरा भाग है प्रजातीय समूह, भाषाई, धार्मिक संरचना, भारतीय संस्कृति का विदेशी पे प्रभाव। तो यहाँ पे प्रजातीय जो समूह है, इस प्रजातीय समूह की उप इकाई को हटा दिया गया है, प्रजातीय समूह की उप इकाई को हटा दिया गया है। किसको हटा दिया? प्रजातीय समूह की उप इकाई को हटा दिया, यानी भारत जनसंख्या जो है इसमें आपके प्रजातीय समूह वाली उप इकाई को हटा दिया गया है। लेसन नंबर 14, कौन सा लेसन है ये? लेसन नंबर 14 है, और 14 में प्रजातीय जो संघ है उसकी इकाई को हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 9 है संसाधन। तो ये संसाधन की कंप्लीट यूनिट को हटा दिया गया है, इस पूरी की पूरी यूनिट को हटा दिया गया है। कौन सी को? संसाधन को। संसाधन की कंप्लीट यूनिट को हटा दिया गया है। तो संसाधन की यूनिट में आपके कौन कौन से लेसन आते हैं? तो संसाधन की यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, इसी यूनिट को हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था संसाधनों के वर्गीकरण, संरक्षण, पोषणीय विकास के बारे में, और जैविक और अजैविक संसाधन हम पढ़ रहे थे, पशुधन हमने पढ़ा था। तो इस कंप्लीट यूनिट को हटा दिया गया है, और इस यूनिट के अंतर्गत हम देखें तो आपके चैप्टर नंबर आपके 15, 16 और चैप्टर नंबर 17 आते हैं। 15, 16 और 17, ये तीन चैप्टर आते हैं, और तीनों ही चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखें कृषि और रासायनिक कृषि, इसको भी आपके हटा दिया गया है। कृषि और रासायनिक कृषि, इसको भी आपके हटा दिया गया है।
यानी चैप्टर नंबर 18 को भी हटा दिया गया है। 15, 16, 17, 18 इन चार चैप्टर्स को आपके हटा दिया गया है। 15, 16, 17, 18 तो चार चैप्टर ये आपके हट गए हैं भारत की बुक में। और एक हट गया है कौन सा, प्रजाति वाला जो आपके 14 लेसन में है। 14 लेसन का प्रजाति, 14 लेसन का तो कौन सा प्रजाति धार्मिक वाला, 15, 16, 17 और 18 कंप्लीट जो लेसन है वो आपके हटा दिए गए हैं। यानी 15, 16, 17, 18 पूरे लेसन और 14 लेसन का प्रजातियों वाला ये आपके हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 एज इट है, पूरी की पूरी यूनिट आएगी, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। यूनिट नंबर 11 में कुछ भी नहीं हटाया गया है। यूनिट नंबर 11 में हम पढ़ेंगे भारत के उद्योग, भारत के उद्योग पढ़ेंगे। भारत के उद्योग जो है, उद्योगों के अंतर्गत आपके लोहे इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, इंजीनियरिंग उद्योग हम पढ़ेंगे। परिवहन, स्थल, जल, वायु, ये परिवहन मार्ग भी पढ़ेंगे, ये अपने हैं नहीं हटाए गए हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो अपनी जो इसमें 12वीं यूनिट दी हुई है अपनी बुक में, फोर्थ दी हुई है, ये यूनिट पूरी की पूरी हटा दी गई है। कौन सी, विकास और नियोजन। विकास और नियोजन, विकास और नियोजन की यूनिट कंप्लीट हटा दी गई है। जिसमें लेसन की मैं बात करूँ तो आपके योजनाएं जितनी भी आती है, पंचवर्षीय योजना जो है वो हालांकि हमने पढ़ ली, लेकिन ये पूरी की पूरी यूनिट हटा दी गई है। जिसमें आपके चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 है, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। चैप्टर हटा दिए गए 21 और 22। इसके बाद जो आपकी राजस्थान की यूनिट है उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। राजस्थान की यूनिट के 3 लेसन है। चैप्टर नंबर, राजस्थान की यूनिट के 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर आपके आ गया एक तो 23, 24, 25। राजस्थान की यूनिट के 23, 24, 25 लेसन हैं, ये बिल्कुल नहीं हटाए हैं, एक भी लेसन नहीं हटाया गया है। और मानचित्र जो कार्य है वो एजिट है, इसके अतिरिक्त है आपके प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत देखें तो प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत आपके यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का सारणीकरण, मध्य मध्यिका, बहुलक, विचलन, ये कोटि से संबंधी हटा दिए गए हैं। और लास्ट का है क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन का भी ये जो टॉपिक है इसको भी फिलहाल हटा दिया गया है। क्षेत्रीय अध्ययन का जो टॉपिक है उसको भी फिलहाल हटा दिया गया है। तो आपके 2 टॉपिक ये भी हटा दिए गए हैं, किसमें, प्रैक्टिकल वाले में। अब हम एक बार अपने इस में से हटाए गए लेसन को एक बार में जो भाग हटाया है आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप इस भाग को देखना कि कौन कौन से भाग हटाए हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके सबसे पहले हटाया है वो लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5, पाठ संख्या 5, पाठ संख्या 5, ये चैप्टर कौन सा है, पांचवा है। पांचवे के 2 भाग है, एक तो प्रवास और एक मानव विकास, ये हटा दिया गया, यानी लेसन नंबर 5 एक नंबर का लेसन हो गया। दूसरा जो हटाया गया वो है आपके लेसन नंबर जो 6 है, लेसन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर जो 6 है, एक मिनट ध्यान से देखना, जो पहला हटाया है वो तो है चैप्टर नंबर 5, ये दूसरा धरावी वाला है वो चैप्टर नंबर 6 से हटा है। किससे हटा है, चैप्टर नंबर 6 से, केवल धारावी का अंश हटा है, धारावी कच्ची बस्ती के बारे में। फिर आपके
जो आगे हटाया गया है वो इकाई संख्या जो 5 है उसके अंतर्गत देखें तो संपूर्ण इकाई हटा दी। कौन सी? जो विश्व परिवहन संचार, विश्व परिवहन संचार की पूरी इकाई जो आपकी है वो हटा दी गई। और विश्व परिवहन इकाई में चैप्टर नंबर कौन कौन से आते हैं? चैप्टर नंबर आते हैं 1, 2, 10 और 1, 11। दो चैप्टर ये हटा दिए गए, 10 और 11। और फिर वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन 12वें चैप्टर का एक पार्ट, ये जो कौन से चैप्टर का है? 12वें चैप्टर का एक पार्ट है वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। कौन से चैप्टर का पार्ट है? 12वें चैप्टर का पार्ट है। इसके बाद आपके भारत वाली बुक में इसमें तो तीन हो गए, 5वें 6वें और 10वां 11वां और 12वें का एक पार्ट। और इसमें जो भारत वाली बुक है, भारत वाली बुक में आपके एक तो हटा दिया गया है, कौन सा? प्रजातीय समूह, यानी चैप्टर नंबर 14 है भारत की जनसंख्या संरचना। चैप्टर नंबर 14 है भारत की जनसंख्या की संरचना। और भारत की जनसंख्या की संरचना में सबसे अंतिम का बिंदु है आपके जातीय नृतात्विक संगठन। ये केवल प्रजातीय समूह वाला ये हटाया है, इसमें केवल प्रजातीय समूह सबसे लास्ट का बिंदु है इसका, प्रजातीय नृतात्विक संगठन, इसको हटा दिया गया है। जिसमें आपकी भारत की जो 6 प्रमुख प्रजातियां है उन प्रजातियों का जिक्र है, इन प्रजातियों को हटा दिया गया है कोर्स में। अब इसके बाद संसाधन की यूनिट है पूरी, जिसमें मैंने बता दिया था आपको चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, तीन तो संसाधन की यूनिट है। और ये आपके चैप्टर नंबर 18 कृषि वाली यूनिट, चैप्टर नंबर 18 कृषि वाली यूनिट। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 ये नियोजन वाली यूनिट, ये आपके हटा दी गई है। नियोजन वाली यूनिट भी आपके हटा दी गई है। तो लेसन नंबर 15, 16, 17, 18, 21 और 22। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से कक्षा 12 के इस पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। और यह है बदलाव है वो इस कोरोना की महामारी को देखते हुए किया गया है, जिसके अंदर जो आपके लेसन है उनको, और लेसन के कुछ भाग ऐसे हैं कि पूरा लेसन नहीं हटा करके कुछ उप इकाइयाँ हैं उनको हटाया गया है। तो विद्यार्थियों हमने जो टॉपिक करवा भी दिए हैं और कुछ बाकी भी है, तो अपने नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं, उनको हमें लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले वीडियो में हम जो अगला टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।